हेलो मेरे भाई, आपने सभी ने तो प्रीमियम तो देख लोगा। इस तरह की रील्स वीडियो है ना, जो कि इंस्टाग्राम पे बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड कर रही है। नवरात्रि रील्स वीडियो बहुत ही ज़्यादा मेरे भाई वायरल हो रही, तो मेरे भाई लोग इस तरह की रील्स वीडियो एडिट करने के लिए एक दो एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी। आपको मैं पूरा प्रोसेस स्टेप बाई स्टेप समझा दूंगा। देन मेरे भाई लोग यार वीडियो को थोड़ा भी स्किप किया, स्किप यार तो समझ ही सकते, स्किप किया तो यार फिर कुछ भी यार मिस हो सकता है मेरे भाई, फिर आपकी वीडियो एकदम यार क्लियरली मस्त तरीके से नहीं एडिट हो पाई। तो मेरे भाई लोग यार वीडियो पे बने रहना एंड तक, मेरे भाई वीडियो को यार एडिट करने के लिए तो एंड तक तो देखना पड़ेगा। चलो मेरे भाई लोग वीडियो करते बिना देखिए स्टार्ट। पहले तो आपको मेरे भाई क्या करना है, एक VPN डाउनलोड करना है जो कि प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। कोई सी VPN आप डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे मैं आपको नेम बता दे रहा हूँ, स्क्योर VPN, मेलन VPN, टर्बो VPN, कोई सी VPN यूज कर सकते हैं मेरे भाई। जैसे मैं स्क्योर VPN यूज कर रहा हूँ, ठीक है। स्क्योर VPN आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना। एंड मेरे भाई देखो ऐसा कुछ है, स्क्योर VPN में ओपन हो रही है ना, ये देखो थोड़ा बस टाइम लेगी, बस इतना ही। यहाँ पे आपको कनेक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, कनेक्ट कर देना मेरे भाई, इसको कनेक्ट हो जाएगी ऑटोमेटिक, ठीक है मेरा भाई। क्या करना आपको, ओपन करना कैपकट। कैपकट तो आपको यार पता होगा, मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहाँ से आपको डाउनलोड करके या अदर कहीं से भी डाउनलोड करके यूज कर सकते हो। चलो कैपकट को ओपन करते हैं। देखो मेरे भाई ध्यान से देखना, मैं पहले ही बोल रहा हूँ यार, ध्यान से देखना, नहीं तो फिर आप बोलोगे भाई वीडियो कैसे एडिट करें, आपको बार बार देखना पड़ता है फिर। चलो यहाँ पे आपको न्यू प्रोजेक्ट पे टैप करते हैं। बट मेरे भाई लोग वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब ठोक देना, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक भी करके जाना, ठीक है, डिसलाइक करके जाना, पसंद नहीं आए तो। चलो न्यू प्रोजेक्ट पे टैप करते हैं। टैप करने के बाद यहाँ पे आपको देखने मिलेगा वीडियो एंड फोटो। फोटो वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना मेरे भाई। फोटो पे क्लिक करने के बाद आपको एक ब्लैक स्क्रीन फोटो लेना है, जो कि आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ब्लैक स्क्रीन वॉलपेपर कहीं से डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे आपको क्रिएट वीडियो पे टैप कर देना, ठीक है। एंड ये देख सकते हो ब्लैक स्क्रीन आ गया। यहाँ पे पहले लेयर लास्ट का कैपकट का लेयर है, उसको हम डिलीट कर देते हैं वाटर मार्क को, इस पर क्लिक करके यहाँ पे आपको डिलीट मार्क ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अब हमने क्या करना है, इस लेयर को थोड़ा सा ऐसे कुछ आगे बढ़ा लेना है। एंड मेरा भाई मैंने कुछ इतना बढ़ा लिया, देख सकते हो ड्यूरेशन कुछ 8 सेकेंड के आसपास की कर ली, बस 1 मिनट की कर ले रहा हूँ, ठीक है 1 मिनट की कर ले रहा हूँ। एंड मैंने नहीं 1 मिनट को नहीं, मेरे 10 सेकंड की कर ले रहा हूँ, ठीक है मेरे भाई। आपको अपने अकॉर्डिंग मतलब कर लेनी, जितनी आप करना चाहते हो या साउंड के हिसाब से कर लेनी। देन अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो मतलब क्या करना है, यहाँ पे मैंने स्क्रीन पे टच किया, यहाँ पे RETU मतलब रेशियो का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना और यहाँ पे आपको 9:16 चूज़ कर देना टिकटॉक वाला, ठीक है। एंड आप इस राइट वाले ऑप्शन पे सही वाले पे क्लिक कर दे, देखो रेशियो ये लिखा होगा, इस पर आपको क्लिक करके, ठीक है RETIO, ठीक है इस पर क्लिक कर। अब मेरे भाई क्या करना, हमने स्क्रीन पे यहाँ पे आपको टेक्स्ट का आइकन देखने मिलेगा, उस पर टैप करना। उस पर टैप करने के बाद यहाँ पे आपको देखने मिलेगा एड टेक्स्ट, इस पर क्लिक करो। यहाँ पे आपको मतलब या तो आपको सॉन्ग का लिरिक्स होता है उस हिसाब से या तो आपको लिख देना, या तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कमिंग सून, मतलब सॉन्ग जो भी बोले वो लिख सकते हो, या मैं लिख दे रहा हूँ या कमिंग सून, ठीक है कमिंग सून। मेरे भाई ध्यान से देखना, यहाँ पे आपको पहले स्टिकर वगैरह देखो रख के दिखा दे रहा हूँ, ऐसे कुछ पहले एक दो स्टिकर रख लेने, ठीक है जो भी आपको पसंद हो वो स्टिकर रख लेने हैं, ठीक है जो भी आपको पसंद हो, मेरे अकॉर्डिंग में मतलब जो भी आपको पसंद हो स्टिकर रख लेने। रखने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना, इस एडिट वाले ऑप्शन को इसके नीचे करना और यहाँ पे आपको कमिंग सून, ठीक है कमिंग सून लिख देना। एंड कमिंग सून लिखने के बाद आपको राइट पे क्लिक कर देना, मतलब सही वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखो क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको क्या मिलेगा ऑप्शन, देखो स्टाइलिश का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना। एंड मेरे भाई आपको फंड का आइकन देखने को मिलेगा, ये देख सकते हो फंड, इस पर मेरे भाई टैप करना। यहाँ पे आपको ये कोई सा भी फंड आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि ये फंड है गंबल का, ये मैं यूज कर ले रहा हूँ, कोई से भी आप मतलब आरनो जो भी आपको फंड पसंद हो देख सकते हो। बहुत सारे इस पर मतलब कैपकट खुद देता है इस पर बहुत सारे फंड, जो भी आपको पसंद हो यूज कर सकते हो। देखो जैसे कि ये लव फंड, ये कोई से भी मतलब कोई आपको जो भी पसंद हो, यहाँ पे आपको आल फंड मिल जाएगा, मतलब बहुत सारे फंड मिल जाएंगे जो भी आप मतलब पिक्सल में ऐड करते हैं, जैसे कि हम फंड वो आप, मैंने गंबल का फंड यूज किया ये वाला देख सकते हो, इसको आपको यूज यही करना, तो ये कर लेना। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एनिमेशन, नहीं यहाँ पे देखने को मिले राइट पे क्लिक करके, इस साइड आपको भी देखने को मिलेगा एनिमेशन, ये इस पर क्लिक करना, इस पर भी ध्यान देना। यहाँ पे आपको क्या लिखा है, देखो इन आउट एंड लूप, ठीक है आप क्या करना है, जिसमें है इनमें ही है तो हमें इनमें ही रहना है, ठीक है इनमें वहाँ पे इन लिखा होगा आपका, आउट में हो तो इनमें टैप कर देना एक बार, ठीक है। अब यहाँ पे हमें बहुत सारी इफेक्ट देखने को मिलेंगे, बट हमें क्या इफेक्ट यूज करना, मतलब इस पर बहुत सारी एनिमेशन देखने मिलेंगे, तो देखो हम यहाँ पे जौन सा यूज कर रहे हैं वो पहले आपको दिखा दें, जो हमें अच्छा लगा वही हमने पहले आपको बता दिया। यहाँ पे नीचे से उठ जाओ, यहाँ पर आपको देखने मिलेगा रोल इन, ठीक है ये देख सकते हो मेरे भाई, ये हो रहा रोल इन, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पे आपकी ड्यूरेशन भी आ जाएगी, इसको आपको 2 सेकंड तक कर लेना मेरे भाई, ठीक है जैसे हम इसको बढ़ाएंगे वहाँ पे सेकंड भी लिख के आ जाएगा, उस पर 2 सेकंड तक कर लेना मेरे भाई इसका ड्यूरेशन, ठीक है। एंड राइट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना, ध्यान देना 2 सेकंड तक करना है, ठीक है राइट पे क्लिक कर देना। ये देख सकते हो कुछ ऐसा होगा यहाँ से,
देख सकते हो मेरा भाई, ठीक है। ऐसा होने के बाद यहाँ तक आते हैं हम, जहाँ से मतलब सोचते हैं यहाँ तक ख़त्म होने वाला, तो यहाँ तक मैं आया। वो यहाँ तक आने के बाद फिर से ऐड टेक्स्ट पे क्लिक कर दिया, और यहाँ पे अब दूसरा हमें टेक्स्ट लिख लेना, कमिंग सून 15 अक्टूबर या जो भी आपको पसंद हो वो लिख लेना मेरे भाई। तभी मैं बोलता हूँ यार वीडियो को ध्यान से देखना, नहीं तो फिर आप बोलोगे भाई कैसे एडिट करें। इस पर भी आपको एक स्टिकर रख लेना है, ऐसे आपको स्टिकर भी रख जाना। और यहाँ पर आपको फ्रंट पर क्लिक करना मेरे भाई, गम्बल का फंट यूज कर लेना, ठीक है। और राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है तो क्लिक कर दो, नहीं तो एनिमेशन यहीं से भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे आ जाते हैं हम। अब हमारी फंट की देखो ये हो गया ना, रोल इन का फंट हो गया। थोड़ा नीचे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें देखने मिलेगा कुछ ये, देख सकते हो ये वाला, मतलब रोल इन के थोड़ा देखो जस्ट फर्स्ट, देखो जस्ट यहाँ को नीचे जाओ कि यहाँ के रोल इन की ये वाला देख सकते हो, स्पीर, ठीक है। इस पर क्या लिखा है, स्पीरल, ठीक है, स्पीरल लिखा है, देख सकते हो मेरे भाई, कुछ ऐसा लिखा है। लिख के भी आपको दिखा दूँ, SPIRAL, ठीक है मेरे भाई, आपको लिख के देख लो, मतलब ये लिखा है। ये वाला फंड आपको यूज कर लेना है। ये यूज करने बाद इसकी ड्यूरेशन भी आपको 2 सेकंड तक कर लेनी मेरे भाई, ध्यान से मैं बोलता हूँ, तभी यार देखो देखो कुछ ऐसा दिखने लगेगा, ठीक है। अब हमारा 2 लिरिक्स हो गया, देखो यहाँ से इतना लिरिक्स, फिर ये लिरिक्स। अब इतना होने के बाद यहाँ तक आते हैं आगे तक, फिर से आपको ऐड टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे हैप्पी नवरात्रि लिख देना, हैप्पी नवरात्रि। एंड मेरे भाई राइट पे क्लिक करके फंट स्टाइलिश पे क्लिक करके फंट पे टैप करके गंबल का फंट यूज कर लेना। एंड इस पर भी आपको स्टिकर रखना है, तो स्टिकर इस पर भी मैं रख दे रहा हूँ, ऊपर साइड मेरे को रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं स्टिकर पहले रख दे रहा हूँ। एंड मेरे भाई ये देख सकते हो, यहाँ पे मैंने ऐसे कुछ स्टिकर रख दिए। एंड इस पर भी हमें एनिमेशन यूज करना, तो एनिमेशन पे अभी हम क्लिक करते हैं। इस पर भी हमें जो पसंद हो वो यूज कर सकते हैं, देख सकते हो मेरे भाई, जो आपको पसंद हो मेरे इस अकॉर्डिंग, नहीं मतलब मैं बोलता हूँ जो मतलब मुझे अच्छा लगा ज़्यादातर कि इस पर सूट कर रहा है, तो वो फंड मैंने मतलब एनिमेशन यूज कर लिया मेरे भाई, देख सकते हैं। इस पर बहुत सारे एनिमेशन, ये वाला आपको कर लेना फ्लाई इन का, ठीक है। ये देख सकते हो फ्लाई इन, मतलब रोल इन के ये जस्ट बगल में ही है, ये देख सकते हो, ये रोल इन है, ये फ्लाई इन, ठीक है। इस पर क्लिक करके इसकी भी ड्यूरेशन आपको बढ़ा लेनी मेरे भाई, ठीक है, आपको मतलब 2 सेकंड तक इसकी भी हमें बढ़ा लेनी। एंड देख सकते हो ये हमारा कुछ इतना हो चुका है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ से हमारा मतलब इतना बैकग्राउंड के ब्लेयर को हम यहाँ से इतनी कट कर देते हैं। एंड स्प्रीड पर क्लिक करते हैं और इस साइड को हमें डिलीट कर देनी, ठीक है। बाकी लेयर डिलीट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको बैक चलना, देखो मेरे भाई बैक चलना। बैक चलने के बाद यहाँ पे आपको देखने मिलेगा ओवरले, ओवरले पे क्लिक करना। और यहाँ पे आपको या तो यहाँ पे देख सकते हो ऐड ओवरले, मतलब इस पर भी क्लिक कर सकते हो या इस साइड प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से आपको फ़ोटो सेलेक्ट कर लेते हैं, 1 2 3 एक कोई मतलब 4 फोटो सेलेक्ट करने, ठीक है। 4 फोटो सेलेक्ट करने के बाद आपको ऐड पे टैप कर देना। ये मतलब आपकी लेंथ से नहीं लगेंगी, तो मेरे भाई इसको भी ध्यान से देख लेना कैसे इनको लेंथ से लगाना, या ऐसे बढ़ा के लगा सकते हो, या तो मैं अभी इनको बस एक बार डिलीट करके दिखा दूँ कैसे लगाना, ठीक है। यहाँ पे देखो कुछ गलत होता है तो इस ऑप्शन पे आपको अंडो कर दे, मतलब बैक कर लेना। देखो जैसे मैंने ये हो गया ना, यहाँ से हमने पूरी सारी फोटो डिलीट कर दी। जैसे नहीं लगे तो आपको क्या करना है, इस वाले प्लस पे क्लिक करके आप ले लेना फोटो, ठीक है मेरे भाई। 1 2 3 अब 100% लग जाएंगे आपको, मैं बता दे रहा हूँ, जितना आपको बताता हूँ देख सकते हो। ये मतलब अपने हिसाब से लग चुकी हैं फोटो, आपको मतलब अपने हिसाब से लगाना, मतलब इसको साउंड क्लियर के हिसाब से लगाना। पहले तो मैं साउंड वीडियो ले रहा हूँ। यहाँ पे बैक आने के बाद यहाँ पे ऐड ऑडियो पे टैप करना, और यहाँ पे एस्ट्रेक का ऑप्शन देखने मिलेगा मेरे भाई। एस्ट्रेक पे क्लिक करना, यहाँ पे कोई सा वीडियो मतलब सेलेक्ट कर लो जिसका आपको साउंड निकालना, वो अपने आप निकल जाएगा, ठीक है। वीडियो सेलेक्ट की, यहाँ पे ये वाली सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इम्पोर्ट ओनली साउंड, ठीक है, यहाँ पे आपको हो जाएगा इम्पोर्ट ओनली साउंड हो जाएगा। यहाँ से मतलब हमारी यहाँ तक है साउंड, ठीक है हमारा, तो हमें मतलब यहाँ तक लेयर ज़्यादा बढ़ गई, तो हमें क्या करना फ़ोटो पे क्लिक करना और इनकी आपको ड्यूरेशन को भी 1.55 कर देना है। यहाँ पे भी आपको इनका सेकंड लेयर देखने को मिल जाएगा, ये देख सकते हो यहाँ पे इनका भी सेकंड देखने को मिल जाएगा 1.5 सेकंड, या तो जितना आपको 3-3 कर देते सबका, ठीक है 1.3 सेकंड। एंड आपको सबके ड्यूरेशन को ऐसे ही कम कर देना। एंड देख सकते हो ये हमारे मतलब बन चुकी है, ठीक है। लास्ट वाली मतलब थोड़ा यार ज़्यादा कर लेते, कोई दिक्कत नहीं। एंड इसका भी थोड़ा सा 1.55 कर देते, क्योंकि ज़्यादा आपको छोटा लगे तो मतलब बड़ा कर लेना, या आपका साउंड जितने हिसाब से हो उसी हिसाब से कर लेना। एंड मैंने आपके सबके सारी के 1.55 कर ली हैं, लास्ट की थोड़ी कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। तो हमें क्या करना, अब हर फोटो पे क्लिक करके इसको जूम कर लेना ऐसे, मतलब ऐसे स्क्रीन पर दोनों हाथ से टच करके ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे कर लेना मेरे भाई, ठीक है, दोनों हाथ से टच करके मतलब कर लेना जैसे ही ऐसे पकड़ के, ठीक है। इनकी लेयर को ऐसे कुछ बढ़ा लेना, मतलब स्क्रीन पे थोड़ा दिखने लगे ऐसे, देख सकते हो मेरा भाई। इतना हमारा प्रोसेस हो गया। अब हम फिर से बैक चलते हैं
बैक चलने के बाद हमें क्या करना, फर्स्ट फोटो पे क्लिक करना, फर्स्ट फोटो पे क्लिक करना और यहाँ पे एनिमेटेड, ठीक है, ये भी एनिमेशन लिखा, इस पर भी क्लिक करो। यहाँ पे भी आपको देखने मिल जाएगा इन आउट कैम्बो, ठीक है। आपको क्या करना, इनसे भी कोई पसंद हो आपको, यहाँ तक भी आपको पसंद हो तो यहाँ से भी यूज कर सकते हो, बट मेरे को यहाँ पे आया पसंद कैम्बो पे, ठीक है। कैम्बो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो इस पर भी यूज मैंने कौन से किए, जो मैं यूज किया हूँ वो बता दे रहा हूँ। देखो यहाँ से मैंने यूज किए हैं ये वाले से, सुई आउट से, ठीक है, सुई आउट और स्लिप एंड, स्लिप एंड ये भी स्लिप लिखा है, जूम वन जूम टू, ऐसे आपको कोई से भी पसंद आए तो ये मैंने यूज किया फर्स्ट में। और यहाँ पे भी हमारी इसकी ड्यूरेशन देखने को मिल जाएगी, इसको भी आपको कम ज़्यादा करना है तो कर सकते हो, ठीक है। आपको इनकी 1.55 कर देनी है, इनकी सारी देख सकते हो मेरे भाई, ऐसे आपको सारे पे एनिमेशन यूज कर लेने, ठीक है। वहीं पर जाना और कैम्बो पर जाओ और यहाँ से फिर उसके आगे वाला इफेक्ट यूज कर लो मेरे भाई, ठीक है। ये यूज कर लो मेरे भाई, देख सकते हो यहाँ पे 1.5 इसको भी कर दो, एंड देख सकते हो ऐसे आ जाएगी। इस पर भी आपको एनिमेशन दे दो या तो आपको फुल रख दो, देख लेना अपने हिसाब से जैसा भी आपको पसंद हो। एंड ये देखो मेरे भाई, इस पर भी एनिमेशन लगाते, ऐसे हमें सारी फोटोज पे एनिमेशन यूज कर लेना। एंड अभी मैं आपको दिखाता हूँ, देख सकते हो अभी मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ, देख सकते हो एकदम क्लियर तरीके से एडिट हो चुके हैं मेरे भाई। बट हमारा मतलब साउंड वीडियो आपको सुनाएंगे तो यार मतलब कॉपीराइट भी आ सकता है, इसलिए मैं अभी ऑफ कर रखा हूँ, ठीक है। ध्यान से देख लो मेरे भाई कितनी एकदम यार अच्छी वीडियो बन चुकी। एंड मेरे भाई हमें इस पर एक इफेक्ट और लगाना, जो कि आपको मैंने अभी बताया भी नहीं। देखो यहाँ तक जहाँ से हमारी फ़ोटो शुरू होती है वहाँ तक ध्यान देना, यहाँ से हमारी फ़ोटो शुरू होती है, यहाँ पे आपको ओवरले का ऑप्शन देखने मिलेगा, इस पर क्लिक करना और यहाँ पे ऐड ओवरले, इस पर क्लिक कर दो। यहाँ से आपको एक वीडियो ले रही है मतलब जो कि आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना, उसको यहाँ पे ऐड कर लेना, ठीक है। जो कि आपको अभी मैं दिखा दे रही हूँ कुछ, देखो ये वाली है, ये कलर वगैरह, इसको वीडियो को ऐड करना, ऐड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना। एंड देखो ये, इसको पहले हम पूरी स्क्रीन पर ऐसे कर लेते जूम करके। एंड यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे लिखा होगा ब्लाइंड, ठीक है, ब्लाइंड पे क्लिक कर दो। यहाँ पे फिल्टर डार्क ओवरले साइड मतलब लाइटन, देख सकते हो यहाँ पे बहुत लाइटन पे क्लिक कर लो, यहाँ पे लाइटन कर दो मेरे भाई। लाइटन पे करने के बाद देख सकते हो भीड़ मतलब हमारा फोटो जो का माता का वो देखने लगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा क्या है ये देखो, थोड़ा मतलब कलर वगैरह देख रहा है, अच्छा लग रहा वीडियो, ठीक है। अब हम यहाँ पे मतलब एंड वाला पार्ट हम डिलीट कर देते हैं, जहाँ से हमारा साउंड तक, यहाँ से एंड वाला पार्ट इस पर क्लिक कर दें, एंड बाकी पार्ट स्पीड पे क्लिक करके डिलीट कर देते हैं इस साइड का पार्ट, ठीक है। फिर जो भी पार्ट है उसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। ये देख सकते हो वीडियो हमारी रेडी हो चुकी मेरे भाई, अभी देख सकते हो एकदम। बट मेरे भाई वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक से सब्सक्राइब तो बनता है यार, पसंद आई हो, बट नहीं पसंद आई हो तो यार मेरे भाई कोई प्रॉब्लम नहीं, डिसलाइक तो बनता है, पसंद नहीं आई। ये देख सकते हो वीडियो एकदम रेडी हो चुकी मेरे भाई, देखो, ठीक है। चलो इसको सेव करने के लिए तो आपको पता ही होगा, इस बॉक्स पे आपको क्लिक करना है इस आइकन पे। एंड ये देख सकते हो कितनी आसानी से हमारी सेव होने लगी, एकदम यार फास्ट सेव होगी।